हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेके भोपी की तरफ से दोस्तों ऑलरेडी एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकाली गई थी रिगार्डिंग दोस्तों बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज 2023 की एडमिशन के रिलेटेड में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकाली गई थी। और उसी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में दोस्तों ये कहा गया था कि अब बोर्ड जो है वो आपको अलग से इन्फॉर्म करेगा कि ये ऑनलाइन काउंसलिंग जो है कब कंडक्ट करने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी तक जेके भोपी की तरफ से दोस्तों कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं निकाली गई थी। तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर इस ओल्ड नोटिफिकेशन को ही रीड करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपकी ये काउंसलिंग होने वाली है दोस्तों, और क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम टू सेम इसी तरीके की दोस्तों ये नोटिफिकेशन निकलेगी। डेट वहाँ पर मेंशन होगी इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर मेंशन है दोस्तों। अब इसमें क्या कहा गया है इस नोटिफिकेशन में कि इट इज़ हियर बाय नोटिफाइड, यानी सभी स्टूडेंट्स को, सभी कैंडिडेट्स को, एलिजिबल कैंडिडेट्स को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि बोर्ड जो है अब ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्ट करने वाली है। चाहे आप ओपन मेरिट से आते हैं या फिर कैटेगरी से आते हैं, तो सभी कैंडिडेट्स की यहाँ पर क्या करेंगे, वो काउंसलिंग करेंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग ये यहाँ पर कंडक्ट कराएंगे। और जिनके स्कोर 30 आए हैं और 30 से एबो आए हैं, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपने दिया है उसमें से बोर्ड ये कहता है कि अगर 30 स्कोर आपने किया है या फिर उससे एबो यहाँ पर आपने पॉइंट्स लिए हैं, सिक्योर किए हैं, तो फिर आपकी काउंसलिंग होने वाली है। उसी सेम टू सेम यहाँ पर जिस तरीके से डेट दी गई है, और सेम टू सेम अभी जो नोटिफिकेशन निकलेगी उसमें भी दोस्तों इसी तरीके से अलग डेट होगी, है ना। फिर नीचे लिखा गया है कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्लियर दियर डेफिशिएंसीज, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स की कमी रहती है दोस्तों, जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, 10+2 मार्क्स कार्ड हो गया, है ना, तो वो जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी इन डेफिशिएंसीज को पूरा नहीं किया है, इस कमी को पूरा नहीं किया है एज इंडिकेटेड इन एनेक्सर ए, जैसे कि एनेक्सर ए में बताया गया है इस नोटिफिकेशन में, वैसे ही जो नोटिफिकेशन बोर्ड की तरफ से अब निकलेगी उसमें भी इसी तरीके से मेंशन होगा दोस्तों। कैंडिडेट्स अलग होंगे, बाकी सेम टू सेम इसी तरीके की नोटिफिकेशन होगी। तो ये यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर बोर्ड बताता है कि आपको फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि भाई आप अपने डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट, जो कमी है डॉक्यूमेंट्स की, उनको जल्द से जल्द सबमिट कराइए जम्मू ऑफिस में, जम्मू में जो भोपी ऑफिस है या श्रीनगर में जो भोपी ऑफिस है वहाँ पर जाकर सबमिट कराइए। और आगे आपको डेट दी जाएगी और टाइम भी दिया जाएगा कि कब तक आप यहाँ पर ये जो डेफिशिएंसी है उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल दिया होगा कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन प्रेफरेंस, यानी कि कॉलेज कोर्स वगैरह जो प्रेफरेंस आप देते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको गांधीनगर जो है, गांधीनगर कॉलेज चाहिए, ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिलनी चाहिए, लेकिन किसी कारण से यहाँ पर नहीं होती है तो आप दूसरा प्रेफरेंस भरते हैं कि दूसरे नंबर पर आपको कौन से कॉलेज में, अगर यहाँ पर नहीं मिली तो कौन से कॉलेज में आप चाहते हैं कि एडमिशन हो आपकी। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन प्रेफरेंस चूज़ करते हैं दोस्तों कॉलेजेस की, है ना। फिर यहाँ पर लास्ट डेट दी गई होगी कि ऑनलाइन प्रेफरेंस जो है वो कब से कब तक आप यहाँ पर, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन प्रेफरेंस, देखिए 30/9/2023 जैसे यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर 5/10 तक, यानी कि यहाँ पर 5 डेज दिए गए हैं। इसी तरीके से जो अभी नोटिफिकेशन निकलेगी उसमें से भी आपको 5-6 दिन दिए जाएंगे यहाँ पर ऑनलाइन प्रेफरेंस को फिल करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है कि द कैंडिडेट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू पे ऑनलाइन काउंसलिंग फीस, यानी जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी उसके लिए आपको फीस जो है पे करनी पड़ेगी ताकि जो आपकी सीट है दोस्तों वो रिजर्व हो सके। तो 1000 रुपये यहाँ पर आपको फीस पे करनी है टू बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट। तो ये अलॉटमेंट ऑफ सीट को कंसिडर करने के लिए दोस्तों आपको 1000 रुपये यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग फीस भी देनी पड़ेगी। फिर नीचे क्या लिखा है, टू एंश्योर दैट आफ्टर टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करोगे, फीस शुड बी रिफ्लेक्टेड एट ₹1000। तो 1000 रुपये फीस जो है वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, अदरवाइज दे शैल नॉट बी कंसिडर फॉर काउंसलिंग, नहीं तो आपको फिर यहाँ पर काउंसलिंग में ये कंसिडर नहीं करेंगे, जो कि ऑनलाइन प्रोसेस में रहने वाली है, ठीक है। तो इसी तरीके की कुछ नोटिफिकेशन होगी दोस्तों, और जब नोटिफिकेशन होगी तो उस टाइम तो मैं आपको अपडेट करूंगा ही करूंगा, लेकिन पहले इसी टाइप का ये नोटिफिकेशन सेम टू सेम आएगा दोस्तों। नाम अलग से होंगे, यहाँ पर डेट अलग से होंगी, नोटिफिकेशन नंबर अलग से होगा, बाकी सब सेम ही होगा, ठीक है। ऑनलाइन ही आपकी काउंसलिंग रहने वाली है,
तो यहाँ पर आप देखिए ये एनेक्सर ए है और यहाँ पर जिन भी कैंडिडेट्स के नाम हैं दोस्तों उनकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में डेफिशिएंसी है, कमी है, तो वो जल्द से जल्द यहाँ पर इसी तरीके से बताया जाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स में डेफिशिएंसी है उन डॉक्यूमेंट्स को आप जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए। और उसके लिए डेट भी दी गई है, तो डेट तक दी गई, डेट तक अगर आप नहीं सबमिट कर पाते हैं, फिर डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये आपकी ऑन रिस्क पे रहेगा दोस्तों, आपकी अपनी जिम्मेवारी रहेगी, इसमें बोर्ड की कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।